नेट नहीं, नेट नहीं खोलना है, नेट खोल देगा तो फिर औरों को दिक्कत होने लगेगा। लिखिए आगे। हम लोग कल लिखे थे, कल की क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसमें ये पढ़े थे कि जब काइनेटिक एनर्जी अगर किसी पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी काइनेटिक एनर्जी जो है अगर वो कांस्टेंट हो तो इसका मतलब है कि उस पार्टिकल का जो स्पीड होगा वो भी कांस्टेंट होगा। क्या होगा वो? अब इसके बाद जो हम लोगों का है बच्चों वो है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। और ये किस कंडीशन में रेडियस पूछ रहा है? तो उस समय जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तब जाकर के रेडियस क्या होगा ये पूछ रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग करते ये हैं, जैसे मान लो कि ये सर्कल, ये इसकी रेडियस, और इसी के लिए अगर देखा जाए तो इधर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स बिहेव्स लाइक एज मैग्नेटिक फोर्स, ठीक, और इस पर परपेंडिकुलर होगा कौन, तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, बशर्ते यहाँ हमको डायरेक्शन दिखाना नहीं है। ये हो गया। तो अब एक चीज़ समझिए, हम जानते हैं कि एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए सी, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं एफ सी इज इक्वल टू एम, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है तो हम यहां पर लिखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड नहीं फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स बिहेव्स लाइक एज सेंट्रीपिटल फोर्स। जब चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करने लगे तो उस कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा मैग्नेटिक फोर्स बिहेव करेगा। किसे जैसा करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा। कौन करेगा? मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका मतलब एफ सी के जगह पे हम यहाँ पर एफ बी लिख सकते हैं, और इधर से ये मेरे पास तो है ही एम वी स्क्वायर बाई आर, और आप जानते हैं कि एफ बी बराबर क्या होता है, तो क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर में एम वी स्क्वायर बाई आर। यदि हम चाहें तो इसका अगर प्रोडक्ट तोड़ लें तो ये ऐसे टूटेगा, वी वेक्टर का मोड, बी वेक्टर का मोड, क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा, और इधर से एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये क्यू वी बी साइन और थीटा के जगह पे 90 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू वी बी हो जाएगा, और इधर से ये एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। कुछ कटने वाला है क्या? एक कटने वाला है, वी से इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो गया क्यू बी इज इक्वल टू एम वी बाई आर। तो हमको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी बाई क्यू बी। ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा और किस पर करेगा, तो सर्कुलर पाथ पर करेगा, उसकी रेडियस कितनी होगी, तो एम वी बाई क्यू बी होगी। याद होगा आपको जब 11th में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के आसपास आप एक फॉर्मूला पढ़े थे कि एम वी इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम, यानी पी वेक्टर, पी बराबर एम वी, जो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है। यदि हम चाहें तो इसी फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू बी, एक ये भी फॉर्मूला बन गया। जब हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर लिखे थे कि लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, तो वैसे कंडीशन में जाकर के इसी लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया था रूट अंडर 2mk और इधर से बाई में क्यू बी। मतलब काइनेटिक एनर्जी के टर्म में अगर रेडियस पूछ दे तो रूट अंडर 2mk बाई क्यू बी,
लीनियर मोमेंटम के टर्म में अगर पूछ दे तो आर इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी, अगर मास वेलोसिटी के टर्म में पूछ दे तो आर इज इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी। ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है हम लोगों का, तब है जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने लगे तो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, तो उसकी रेडियस का ये फॉर्मूला निकला। इसका फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, वैसे ये क्वेश्चन सब आता नहीं है लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान में रखा कीजिएगा। तो क्वेश्चन जब आएगा तो पहले ये कहेगा कि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर मूविंग कर रहा है, तो उसके दौरान रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा। बात समझे? तो चलिए इसको पहले जल्दी से नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी लिखे जल्दी। लिख लिए लिख लिए। तू कल काहे एब्सेंट था रे, परसों एब्सेंट था ना? हे तू बीच में कोनो दिन एब्सेंट था? तू झूठ बोल रहा, हम खोजे थे तुमको उस दिन। तू लिख लिया होगा अलग बात है, लेकिन बीच में तू एब्सेंट था एक दिन। कि हम इसको खोजे थे, मिला नहीं था हमको क्लास में। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है हम लोगों के पास डी ब्रोगली वेव। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ये सब चीज। क्या पढ़े थे? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H बाई लैम्डा। और बातें हम कर रहे हैं रेडियस इज इक्वल टू किसकी, तो P बाई क्या आया है? क्यू बी। तो यदि मैं इस P के जगह पे वैल्यू रख लूं तो ऊपर में H और नीचे में हो जाएगा क्यू बी लैम्डा, यही ना होगा? अब इसके बाद इसके आगे इसका नेक्स्ट है टाइम पीरियड।
क्या है बच्चों? जिसे हम लोग हिंदी में समय अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? समय अवधि। क्या होता है इसका फॉर्मूला? जैसे बचपन में साइकिल का चक्का खूब नचाया होगा, खूब छोटा रहा होगा, स्टैंड पर टेढ़ा करके यूं पूरा स्पीड करके, तब देखना कि कैबरी 1 2 3 4 नहीं तो उसमें कोई चक्का अगर एक बार पूरा पूरा नचा और उस नचने में लगे हुए समय को टाइम पीरियड कहते हैं। कोई चक्का जहां से नचना शुरू किया और एक बार पूरा नच के वहीं पहुंच गया तो पूरा एक सर्कल बन गया, और उसके दौरान लगे हुए टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मीन्स चक्कर, वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्या कहा ये डेफिनेशन? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन मतलब एक चक्कर को पूर्ण करने में लगे समय को टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहां पे एक चक्कर कितना में लगेगा? तो सर्कमफेरेंस कंप्लीट होगा तो 2πr में, किसमें? और उसके लिए स्पीड भी तो चाहिए। क्या चाहिए? तो t इज इक्वल टू हो गया 2πr/v, और हम जानते हैं अभी जस्ट पढ़े रेडियस बराबर qb/mv, यही ना पढ़ा है? क्या पढ़ा है अभी रेडियस का फॉर्मूला? mv/qb। क्या पढ़े हैं? mv/qb। तो t बराबर 2πr और r के जगह पे mv/qb, अब बाई में भी से भी ये मर गया तो t बराबर हो गया 2πm, अरे यार 2πm, और ये qb नीचे आ जाएगा। ये हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। हो गया इतना? जल्दी इसको छापिए। अभी जो भी कुछ निकल रहा है वो तब के लिए वैलिड है जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ पर मूविंग कर रहा हो, उसी के दौरान टाइम पीरियड, उसी के दौरान रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, उसी के दौरान डी ब्रोगली वेव के द्वारा रेडियस ऑफ पाथ, ये पूरा उसी कंडीशन में। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हुआ तो स्पीड कांस्टेंट, वर्क डन नेट उसका जीरो हो गया। तो टोटल जो ऑब्जेक्टिव जो अभी पढ़ रहे हैं वो टोटल उसी केस में पढ़ रहे हैं। छप दिए, आगे बढ़ू? बोल नहीं रहा है तो सब बोलने के लिए तब बोले तब बोला यस सर। चलिए अब इसको हम अब ये नेक्स्ट हम यहां से नीचे स्टार्ट कर रहे हैं। अगला है मेरे पास फ्रीक्वेंसी। क्या है बच्चों? फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में हम लोग आवृत्ति कहते हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम का क्या रिलेशन है? फ्रीक्वेंसी और टाइम का एक दूसरे का इन्वर्सली रिलेशन है। क्या है? यानी उसी को हम रेसिप्रोकल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इन्वर्सली टर्म को ही रेसिप्रोकल कहते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी इसका यह मतलब हुआ कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन बाई टाइम पीरियड, यानी वन बाई टी, रेसिप्रोकल का मतलब यही हुआ। तो अब मैं इसका फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ, एफ इज इक्वल टू वन बाई टी है और टी का फॉर्मूला यहाँ पर है, तो हम डाल दिए टू पाई एम बाई क्यू बी, तो ये फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बी बाई टू पाई एम। छाप दीजिए। रही एफ लिखे हम, इंटीग्रेशन बना के पेट काट रही है तुम। वैसे हम नया डिजाइन तैयार किए, वो भी इंटीग्रेशन लिख दिए, वो चलेगा। बायोलॉजी के स्टूडेंट, बायोलॉजी के स्टूडेंट को सब माफ। बायोलॉजी का स्टूडेंट अगर फिजिक्स का पैर तोड़ दे, हाथ तोड़ दे, नाक तोड़ दे, कान तोड़, सब चलेगा। उसको इंटीग्रेशन ना समझ के लिमिट भी समझ ले, वो चले, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन मैथ वाला ऐसा नहीं करना, क्योंकि मैथ वाला को बहुत कुछ करना होता है, ब्रिज बनाना है, गाड़ी बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी के केस में पूरा चीज़ बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम बनाना है, कंप्यूटर का आइटम बनाना है, शर्ट पैंट पहनते वो बनाना है, घर का आइटम बनाना है, टाइल्स का आइटम बनाना है, एगो दो काम है। फिर बायोलॉजी जो उपचार करेगा उसका इक्विपमेंट बना के देना है, तब ना वो रुपया लूट पाएगा। नहीं देगा उसको इंस्ट्रूमेंट अगर फिजिक्स का साइंटिस्ट सब नहीं दिया रहता तो कहाँ से लूटता, ना समझ गए। तो वो सब गलती कर सकता है, उसे चलेगा। वो गुर्दा के जगह पे फेफड़ा निकाल ले, चाहे फेफड़ा के जगह पे किडनी निकाल ले, सब चलेगा। लेकिन इंजीनियरिंग वालों को नहीं चलेगा। एक डॉक्टर एक बार में किसी एक को ही मार सकता है, लेकिन मान लो गलत इंजीनियर पैदा हो जाते, वो पुल गिरेगा तो हो सकता है हज़ार आदमी खड़ा होगा तो एक बेरी में हज़ार को चल जाएगा। इसलिए मैथ वाला ऐसा गलती नहीं करना। मैथ वाला के हाथ में बहुत का जान होता है, वो वाला जान नहीं है, प्राण वाला। जैसे ट्रेन, मान लो ट्रेन बनाया तो एक वो ट्रेन में कितना आदमी यात्रा कर रहा है, वो इंजीनियर बनाया। अब मान लो कहीं कुछ गलती हो गया तो एक बेरी में एक्सीडेंट कर जाएगा हज़ार आदमी एक बार में, बस समझ रहा है। अगर बिल्डिंग ख़राब बना दिया, कहीं बिल्डिंग ढह गया पूरा, एक के बार में कहानी ख़त्म, कितना फैमिली ख़त्म। गाड़ी ख़राब बना देगा चार चक्का, अगर मान लो एक्सीडेंट किया पूरा ख़त्म। तो डॉक्टर किसी इंस्टेंट टाइम में किसी एक का जान ले सकता है, लेकिन इंजीनियर एक बार में बहुत का जान ले सकता है। इसलिए मैथ वाला ऐसा गलती नहीं करेगा, बायो वाला कर सकता है। चलिए नोट लिखिए उसके नीचे, नोट लिखिए, लिखिए, द एसआई यूनिट ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ज, एच ई आर टी जेड, हर्ज। नोट नंबर टू, नोट नंबर टू, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा इज एल्सो कॉल्ड, इज एल्सो कॉल्ड, इज एल्सो कॉल्ड साइक्लोट्रोन फ्रीक्वेंसी, सी वाई सी एल ओ टी आर ओ एन, साइक्लोट्रोन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रोन फ्रीक्वेंसी, लिख लिए। अब इसके बाद हम लोगों का है नेक्स्ट टॉपिक, पिच
ऑफ द हेलिकल पाथ, क्या है ये पिच ऑफ द हेलिकल पाथ? जब किसी भी मैग्नेटिक, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है उस जगह पे, अगर मान लो कि हमने सोलेनोइड लगाया हुआ है, मतलब परिनालिका लगाया हुआ है, और इसके ऊपर में क्वाइल को हमने लपेट दिया, क्या कर दिया? क्वाइल लपेट दिया। कैसे लपेटा? तो ऐसे लपेटा, ये इस प्रकार से ऐसे लपेट दिया। अब इसमें देखो, तो इससे जो करंट पास होगा वो इस प्रकार से पास होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से पास होगा। और बात बाकी अगर हम बात करें तो इसके किसी खास पॉइंट पर अगर देखा जाए, जैसे यहीं पर मान लें हम, तो उस चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी उसका अगर टेंजेंट अगर देखा जाए तो ये वाला हो गया, ठीक है, कहीं पर से टेंजेंट ले सकते हैं हम। अब इसका कंपोनेंट अगर तोड़े तो एक कंपोनेंट इधर और इसके बीच का एंगल हमने मान लिया थीटा, तो ये हो गया वी एक्स। और इसी प्रकार से इसका हम एक सिमिलर फिगर भी इधर बना लेते हैं, तो वी इधर है तो ये वी एक्स इधर, क्योंकि इसके बीच का जो एंगल है ये थीटा है और इसके बीच का जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है, तो ये हो गया वी वाई, क्या हो गया? अब आप जानते हैं थीटा एंगल जिस एक्सिस के साथ बना है वो परपेंडिकुलर होगा, और जो इंडिपेंडेंट होगा, और जो इंडिपेंडेंट होगा उस पे कॉस थीटा, तो ये इस पर आ जाएगा आपका भी कॉस थीटा और इस पर आ जाएगा आपका भी साइन थीटा। तो कहता है कि जब आप कंपोनेंट को तोड़ दोगे और अगर स्ट्रेट लाइन की ओर अगर तोड़ना पड़े, ए लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या मिलेगा? तो वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। और यही चीज अगर पूछा जाए कि अलोंग सर्कुलर लाइन, क्या पूछा जाए? अलोंग सर्कुलर लाइन, तो इसके लिए वी वाई, और ये जो वी वाई है वो क्या देगा मुझे? वी साइन थीटा, क्या देगा हमको? तो पहले हेडिंग दीजिए पिच ऑफ द हेलिकल पाथ और इसका पहले डेफिनेशन लिखिए। द चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, द चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम टाइम फुल स्टॉप, ड्यूरिंग दिस टाइम इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन कॉमा इज कॉल्ड पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। अब जल्दी से पहले इसको उतारिए। पहले एक चीज, एक तो हम यहां पर निकाल ही सकते हैं, अलोंग स्ट्रेट लाइन, पिच ऑफ द हेलिकल लाइन के केस में, अगर स्ट्रेट लाइन के केस में अगर मुझे वैल्यू निकालना पड़े तो क्या करेंगे? वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेना होगा? एक्स कंपोनेंट। स्ट्रेट लाइन मुझे एक्स कंपोनेंट दे रहा है, एक्स कंपोनेंट मैंने ले लिया चार्ज पार्टिकल के स्पीड का। और ये कितने टाइम तक स्पीड में रहेगा? तो टी टाइम तक रहेगा। कितने टाइम तक रहेगा? टी टाइम तक। तो इसका मतलब, अच्छा एक चीज बताओ, दूरी बराबर क्या होता है?
दूरी बराबर चाल। अरे गिरधारी लाल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। वो हिंदी में नहीं समझ रहा था। स्पीड इनटू हिंदी में को नहीं समझ रहा था ना। क्या दिन आ गया है, या आपको याद नहीं था या समझ में नहीं आया था। हमको जहां तक लग रहा था याद ही नहीं था आप लोग। अब समझिए, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो एज लाइक डिस्टेंस निकल रहा है यहां पर, स्पीड वी एक्स और टी टाइम। क्लियर? अब तो अब वी एक्स बराबर वी कॉस थीटा इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आया था? एम बी बाई, यही आया था। क्या आया था? 2 पाई एम बी। और ऐसा आया था 2 पाई एम बाई, यानी यो देख के बोलना पड़ रहा। अरे वाह क्या बात है। तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 पाई एम बी कॉस थीटा अब बाई में क्यू बी हो जाएगा इतना। तो जल्दी पहले इसको छापिए फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी छापिए, अभी 2 को टॉपिक पढ़ना है। 58 हो गया। उस वाईफाई को फिर से बंद करके फिर चालू करो, तो बंद करके फिर चालू करो। नागिन डांस कर रहा है आज। साला जब से अम्बानी का वाईफाई लगा लिया जिंदगी खराब हो गया है। नहीं, सारा रुपया तो अम्बानी खत्म कर दिया डमरू के शादी में। अंबानी लेकिन सबको रोड पर उतार दिया, लेकिन जितना बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी था सबको उतार दिया। यहाँ तक कि आमिर खान और एम एस धोनी जो कहीं नहीं जाता उसको भी उतार दिया। आमिर खान आज तक किसी भी जगह नहीं जाता है, फिल्म फेयर के अवार्ड में नहीं जाता है, कपिल शर्मा के शो में नहीं जाता है, वो भी आदमी चला गया। रुपया में कितनी ताकत है। वो तो ऐसे भी जाता है, वो दिलदार आदमी है विराट कोहली, वो तो सब जगह पहुंचा रहता है, वो तो फील्ड में डांस करने लगता है, उसका क्या है। लिख लिए, नहीं कम से कम इस दोनों को नहीं जाना चाहिए था, आमिर खान को और एम एस धोनी को अंबानी के बेटा के शादी में नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि ये दोनों, आमिर खान ना ही फिल्म फेयर अवार्ड में जाता है ना किसी शो में जाता है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा तरजीह रखना चाहिए था, अपना इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था। और सब फिर एम एस धोनी कभी ट्वीट भी नहीं करता है, कहीं जाता भी नहीं है, कहीं भी नहीं। और वो भी अंबानी के बेटा के शादी में जाके डांस किया है, इससे उनकी छवि धूमिल हुई इन दोनों की। रुपया में वो ताकत है जो बोलता है ना कि हम, मतलब हम अपने पे चलते हैं, वसूल पे चलते हैं। रुपया में वो ताकत है जो वसूल को 1 मिनट में चेंज कर सकता है, जैसे एम एस धोनी और आमिर खान ने किया है। इसलिए रुपया के पीछे भागिए, पैसा सब कुछ है। और उसमें अलग अलग कैटेगरी का मेहमान था, स्पेशल कैटेगरी के मेहमान को वॉच मिला कितना करोड़, 5 करोड़। सेकेंड कैटेगरी 2.5 करोड़, तीसरी कैटेगरी 1 करोड़, जिसमें से 3 नचनिया को लंबरगिनी से ले जाया गया। अब बाद बाकी बॉलीवुड का जितना भड़वा कलाकार है उसको बस से ले जाया गया। ये औकात है आपके बॉलीवुड की। और 3 किसको ले जाया गया आप लोग जानते ही हैं, आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान, जिस 3ों के साथ डमरू डांस किया था। देखा था डमरू को कि नहीं देखा था?
चलिए आगे लिखिए, इसलिए रुपया के पीछे भागना सीखो अभी से। कौन, हम नहीं भागेंगे सर, वैसे ठीक है। अगला जाइए, अब अगला कौन सा, अलोंग सर्कुलर लाइन, कौन सा लाइन, सर्कुलर लाइन। अब समझिए, इस सर्कुलर लाइन के अलोंग अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले किसी सर्कल पर ये सेंटर और ये इसका रेडियस और सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स बिहेव्स लाइक एज मैग्नेटिक फोर्स, एंड मैग्नेटिक फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, दे आर मेड बिटवीन द एंगल इज 90 डिग्री। इन दोनों के बीच बनाया गया कोण का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है। तो इसका मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए सी, एफ बराबर एम ए, सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इसका मतलब एफ सी बराबर एम, और इधर से वी स्क्वायर बाई आर। अब बच्चों एक चीज देखो, एक तो ये आ गया, अब यहां पर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है हम यहां पर लिख सकते हैं कि हेयर सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी बिहेव्स लाइक एज, या फिर ऐसे नहीं, इसको हेयर मैग्नेटिक फोर्स बिहेव्स लाइक एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके जैसा बिहेव करेगा, तो इसका मतलब हम इसके जगह पे एफ बी लिख दें, और एफ बी बराबर इधर से एम बी स्क्वायर बाई आर। एफ बी बराबर क्या होता है, तो आप पढ़े हुए हैं क्यू इंटू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इधर से एम बी स्क्वायर बाई आर। अब इधर से प्रोडक्ट तोड़ दीजिए, अब एक चीज देखिए, प्रोडक्ट तो हम लोग तोड़ेंगे तो ये, और एक चीज और समझिए, वेलोसिटी का जो कंपोनेंट यहां पर लेंगे सर्कुलर लाइन के लिए, कौन सा कंपोनेंट लेंगे, वाई कंपोनेंट यहां लगा दिए। अब इसका प्रोडक्ट तोड़ रहे हैं, क्यू मोड वी वेक्टर मोड बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा, इधर से एम वी वी वाई का कंपोनेंट वी साइन थीटा, इसका स्क्वायर अपॉन आर। तो अब इसका इक्वेशन बन जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आर, और इसमें कुछ कटने वाला है क्या, भी से भी और साइन थीटा से साइन थीटा, एगो बच गया फिर भी, तो इधर बच गया क्यू बी और इधर बच गया एम भी साइन थीटा, अब बाई में आर, हमको निकालना है रेडियस, तो आर इधर करेंगे क्यू बी को तिरछा भाएंगे, तो ये हो जाएगा एम भी साइन थीटा बाई में क्यू बी, एम बी साइन थीटा बाई, छाप दीजिए, छाप दिए। ए बी बर का है, छोटका बी लिख दिया है, भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में बी बर का लिखो ना कैपिटल, छाप दिए बच्चों।
आगे बढ़ूं? लिख लिए? चलिए नेक्स्ट, स्टार दीजिए और लिखिए CYCLOTRON, साइक्लोट्रोन। क्या है बच्चों? साइक्लोट्रोन। सबसे पहले कहता है ये साइक्लोट्रोन होता क्या है, तो पहले हम फिगर बना लेते हैं, उसके बाद कुछ भी करेंगे। तो ये सबसे पहले हमने यहां पर हाई एनर्जेटिक प्रोटॉन बीम लिया, जो एक चार्ज पार्टिकल का काम कर रहा है। वह चार्ज पार्टिकल हो सकता है कि अल्फा पार्टिकल्स हो, नहीं तो ड्यूटेरॉन्स हो। अल्फा पार्टिकल या ड्यूटेरॉन्स के अलावा कोई अलग पार्टिकल नहीं लेंगे यहाँ। क्यों? इसका कारण है कि अल्फा पार्टिकल और ड्यूटेरॉन्स जो होते हैं ना, वो बहुत जल्दी एक्सेलरेट होकर के हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स बना करके दे देता है। इसीलिए हम लोग अल्फा पार्टिकल और ड्यूटेरॉन्स का ही यूज करेंगे। तो जैसे ही इसको, इस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराया जाएगा, तो यह सर्कुलर पाथ पर ऐसे घूमने लगेगा, ऐसे घूमने लगा। अब इसके बाद इसको किया क्या गया, इसको दो शेप में इसको बांट लिया गया। जैसे एक ऐसे करके, ऐसे दिख रहा है, डी शेप में इसको काटा गया है, डी आकार में काटा गया ना। अब उसके बाद क्या किया गया कि इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट का, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का दो पोल, मैग्नेटिक पोल, एक नॉर्थ और एक साउथ, उसके बीच में रख दिया गया। ये नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल। कोई दिक्कत इसमें? अब ये देखिए, ये डी शेप का दिख रहा है ना, पीला वाला लाइन, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डीज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डीज यानी डी वन, और इधर वाला को बोलेंगे डीज यानी डी टू। अब यहां हमने बीच में क्या दिया, हाई एनर्जेटिक प्रोटॉन बीम, और जब बहुत अधिक एनर्जी हो जाएगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टारगेट बना लेंगे और वो वहां से एनर्जी को ग्राउंडेड कर देगा। इसके बाद ये जो दो डी शेप आपको दिख रहा है, इसमें से तार जोड़े दो गो, इधर लेके गए, और यहां पे एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा दिए। क्या लगा दिया यहां पर? हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, जो क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को रीड करके देगा कि आपका यह डिवाइस कितने अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाया है। जैसे डीसी मोटर हो गया, डायनमो हो गया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो गया, ये सब पढ़ने से पहले साइक्लोट्रोन को बनाया गया था। इस साइक्लोट्रोन का काम क्या था कि यह बहुत काफी मात्रा में एनर्जी को प्रोड्यूस करता था। तो सबसे पहले कहता है कि साइक्लोट्रोन है क्या, तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइक्लोट्रोन इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस, विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रोड्यूस एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल
यार, चार्ज पार्टिकल सच एज अल्फा पार्टिकल्स और ड्यूटेरॉन्स ETC इज हैविंग एनफ एनर्जी टू कैरी आउट न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन का हिंदी होता है विखंडन, और न्यूक्लियर लग गया तो हो गया नाभिकीय विखंडन। मतलब नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस के द्वारा क्या कहता है कि साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है विच इज यूज टू प्रोड्यूस, जो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, तो एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल को। किसको उत्पन्न करता है? एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल को। किसके रूप में करता है? तो अल्फा पार्टिकल या ड्यूटेरॉन्स के रूप में करता है। ठीक, फिर कहता इज हैविंग एनफ एनर्जी। उस चार्ज पार्टिकल को हम जैसे ही एक्सीलरेट करते हैं ना, तो वो थोड़े ही टाइम में बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ठीक, और उसका कारण है कि वहां पर न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन का यूज हुआ है। यही साइक्लोट्रॉन है। इस साइक्लोट्रॉन में किया क्या गया? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में हमने हाई एनर्जेटिक प्रोटोन यहां पर बीम लिया, जो यहां पर यही चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेशन में आया, और एक्सीलरेशन में आने के बाद ये थोड़े ही समय में बहुत मात्रा में एनर्जी को प्रोड्यूस किया। तो इसीलिए हमने इसको दो डी शेप में बांट लिया, एक मेटेलिक चेंबर। डी शेप कहने का मतलब सीधा ये नहीं कि डी बना के हटा दिए, मेटेलिक चेंबर लगा दिए कि एनर्जी जो मेरे पास आ रहा है उस एनर्जी को स्टोर करें। तो डी आकार का दो मेटेलिक चेंबर बना दिए, उस मेटेलिक चेंबर में से दो को वायर निकालें और वहां पर ऑसिलेटर लगा दिया हाई फ्रिक्वेंसी वाला, जो मुझे यह बताएगा कि इस डिवाइस ने कितने फ्रीक्वेंसी को, यानी कितने कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को जनरेट किया है। ठीक, यही कहानी है साइक्लोट्रॉन की। पहले इसको जल्दी से लिखिए, 15 हो गए, कोई ना थोड़ा देर और, क्लास चला गया नहीं? क्लास उसी जगह होगा, नहीं गया होगा सर? चले गए कहाँ? ऊपर बीबी के घर, यानी अपने मायके। बीबी का घर ससुराल थोड़ी होता है। जल्दी के जल्दी, आगे लिखा है, जल्दी लिख लो, आज ही खत्म हो जाएगा इसका कहानी। लिखिए आगे, लिखिए आगे, इट कंसिस्ट ऑफ
जल्दी लिखिए, इट कंसिस्ट ऑफ टू टी डब्ल्यू ओ टू हॉलो एच ओ डबल एल ओ डब्ल्यू हॉलो डी सेप्ड ऐसे डी सेप्ड डी आकार का डी सेप्ड मेटैलिक चेंबर डी सेप्ड मेटैलिक चेंबर कॉमा कैपिटल डी वन एंड कैपिटल डी टू कैपिटल डी टू आर कॉल्ड डीज आर कॉल्ड डीज फुल स्टॉप बोथ ऑफ द डीज आर बोथ ऑफ द डीज डी डब्ल्यू एस डीज आर प्लेस्ड बोथ ऑफ द डीज आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली विथ ए स्मॉल गैप विथ ए स्मॉल गैप सेपरेटिंग विथ ए स्मॉल गैप सेपरेटिंग बिटवीन देम फुल स्टॉप द डीज आर कनेक्टेड फुल स्टॉप के बाद द डीज आर कनेक्टेड द डीज आर कनेक्टेड टू द सोर्स एस ओ यू आर सी ई सोर्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड फुल स्टॉप द होल एपेरेटस डब्ल्यू एच ओ एल ई होल मीन्स संपूर्ण द होल एपेरेटस इज प्लेस्ड बिटवीन रे साइकिल एक साइड लगाओ उधर बाहर में द होल एपेरेटस इज प्लेस्ड बिटवीन इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स इज प्लेस्ड बिटवीन द टू टी डब्ल्यू ओ टू पोल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एज सोन इन फिगर फुल स्टॉप द मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स ए सी टी एस एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स ए सी टी एस एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डीज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डीज एंड एंड द डिवाइस विच गिव्स कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी विच गिव्स कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एट एट हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर एट हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर उसके नीचे एरो दीजिए और लिखिए साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कल इसको लिखाएंगे मतलब अगले क्लास में और यूनिट टू खत्म अब उसके बाद यूनिट थ्री मैग्नेट का फिर फोर उसके बाद मैग्नेट फोर फाइव एक साथ खत्म ऐसा ही छोटा यूनिट थ्री भी है और फोर भी है आज 11:30 में आइए उस समय हम लोग चैप्टर वन का
क्वेश्चन बैंक का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। शाम में इसलिए नहीं रखे कि जो बच्चे दूर से आते हैं उसको दोबारा आने में या बहुत देर रुकने में दिक्कत होगा, इसलिए 11:30 टाइम रखा गया है। ठीक है, तो आइए 11:30 में फिर मिलते हैं, 11:30 में स्टार्ट करते हैं क्लास फिर। ठीक है, चलिए।